तो हे दोस्तों, नया पार्ट लेकर आ चुके हैं और आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे पैर पर कमेंट कीजिए। तुम बचोगे नहीं कोबरा मेरे हाथों से, मरोगे। तुमने मेरी बीबी को किडनैप कर बहुत बड़ी गलती की है फ्रॉस्ट फायर, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। बम बेटा, आखिरकार क्यों तुम लोग लड़ रहे हो? छोड़ो इस लड़ाई झगड़े को। महाप्रभु, आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि जिस आदमी पर मैंने विश्वास किया था वही मेरे परिवार पर हमला करने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं है प्रभु, इसी ने मेरे पिताजी को मारा है। मुझे अल्फा ने सब कुछ बता दिया था प्रभु, ये गद्दार है, मैं नहीं। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मैंने इसके पिता को नहीं मारा है, मैंने नहीं बल्कि रेड फ्रॉस्ट फायर ने मारा है, लेकिन ये मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। पता नहीं अपने दोस्त के बहकावे में आ चुका है महागुरु ये, और उसके कारण ही इसने मेरी बीबी को भी आगाह किया है। पकड़ बम बेटा, यह बिल्कुल सही कह रहा है, कोई तुम्हारा अपना है तुम्हारा दुश्मन है फ्रॉस्ट फायर। ध्यान से देखो, कोबरा की कोई गलती नहीं है, उसने नहीं मारा है। हाँ हाँ महाप्रभु, यही समझा कर मैं भी थक चुका हूँ। अगर ऐसा है ना भाई, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अल्फा, मेरे भाई हाथ मिलाओ मेरे साथ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है मेरे भाई अल्फा। सही कह रहे हो रेड फ्रॉस्ट फायर मेरे भाई, हमारी चतुराई के कारण हमने उन दोनों हीरो को ही लड़ा दिया साथ में, ये सारा तुम्हारा ही दिमाग का किया धारा है। अरे भूस भूस, आपको खबर सुनानी है। तुमसे बुरी खबर और क्या हो सकती है वो कोंग? नहीं भूस, ऐसा नहीं है, आपको सही पता नहीं है, वो कोबरा और फ्रॉस्ट फायर जो लड़ रहे थे उन दोनों की लड़ाई वो कैंसिल हो गई है। कोई महागुरु आया था और उसने उन्हें रोक दिया लड़ने से। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, हमने इतनी प्लानिंग की और वो इतनी जल्दी मिट्टी में मिल गई, तो फिर तू बुरी खबर लेकर कैसे आया बे? अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत कैसे हूँ अल्फा, ये शायद जानता नहीं कि मुझे बुरी खबर और उसे सुनाने वाला भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए इसे तो मरना ही था। लेकिन मेरे भाई, अब उनका क्या करें हम उन दोनों का, उन्हें पता चल चुका होगा हमारे बारे में। क्या करेंगे उन दोनों को, आप अपने हाथों से मारेंगे हम दोनों। सही कह रहे हो मेरे भाई। तो फिर क्या सोचा है तुमने मेरे भाई फ्रॉस्ट फायर, आगे हमें क्या करना चाहिए? अरे मेरे भाई क्या करें, एक काम करते हैं, मैं उस अल्फा के पीछे जाता हूँ और तुम जाकर मेरे भाई उस रेड फ्रॉस्ट फायर को मारो। हाँ सही कह रहे हो मेरे भाई तुम, लेकिन वो दोनों हमें मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ, हो ना हो किसी ने हमारे बारे में उसे बता ही दिया होगा। अरे सर, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे नहीं चाहिए भाई, मैं तो मेरे को तो जल्दी है। अरे कोबरा भाई, तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, खा लो कुछ यार, वैसे हम लड़ाई चक्कर में खाना पीने भूल गए। अरे हाँ भाई, एक चाय ले आओ। अच्छा ठीक है भाई, मैं भी लेकर आता हूँ, आप इतनी देर बातें कीजिए, वैसे भी आप सुपर हीरो कम ही आते हो मेरी दुकान में। अरे हाँ हाँ भाई, कुछ ज़रूरी बातें हैं, तुम चाय लेकर आओ, इतनी देर हम उन्हें निपटा लेते हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। अरे भाई, तो मैं ऐसा ही कह रहा था, समझ रहे हो क्या? हाँ मेरे भाई, इसलिए तुम जाओ, अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ और मिलो उस अल्फा से, कि आखिरकार क्यों उसने झूठ कहा, इन सब के पीछे हो ना हो वही है। हाँ भाई, मैं जाकर पता करता हूँ आखिरकार वो मुझसे पंगा क्यों ले रहा है। हाँ ये तो चला गया, अब मुझे भी जाना चाहिए। अरे कोबरा भाई, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, और वो चाय? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं खाना, और ये लो पैसे रख लो तुम वैसे ही। चलो यार, मुझे भी चलना होगा, लेकिन वो रेड फ्रॉस्ट फायर मुझे मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पर, पता नहीं क्या होगा उनका। अरे कोबरा भाई, ये लीजिए आपकी चेन। अरे नहीं नहीं भाई, तुम ही रख लो, अभी मुझे कहीं जाना है, इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आखिरकार
आखिरकार एक कॉइन तुम्हारे हत्थे चढ़ा, नहीं तो उन लोगों की वजह से एक भी कॉइन नहीं आ पाया हमारे पास। अब इसे कंज्यूम करके और शक्तिशाली हो जाऊंगा मैं। इसी तरह बाकी लोगों को भी मार कर उनका सुपर कॉइन भी कंज्यूम कर लूंगा मैं। पकड़ बम बेटा, अरे तुम तो वही रेड फ्रॉस्ट फायर हो जो कोबरा और फ्रॉस्ट फायर को लड़ा रहे थे। और तुम वही तो नहीं जिसने उनका गुस्सा शांत किया? हाँ मैं ही हूँ वो। अच्छा हुआ बूढ़े तू आ गया, तुझे बस अभी निपटाना था मुझे। अरे मेरा शक सही निकला, मुझे यकीन था कि हो ना हो ये महागुरु के पीछे ही आएगा, और देखो ये यही मिला मुझे। अब ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, इसने बहुत आतंक मचा लिया जितना मचाना था। अब ये तो गया मेरे हाथों से। पकड़ो बम बेटा, तू तो मरेगा मेरे हाथों से। अरे कोबरा तुम भी आ गए हो, देखो इस साले को। अरे कोबरा तू भी आ गया इस बूढ़े को बचाने। कोई ना कोई ना बे कोई ना, तुम दोनों को साथ में मारूंगा मैं। तुम शांत नहीं हो शायद मुझे, और जानते तो तुम मुझे भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ कोबरा, इस फ्री फायर का रक्षक, और मेरे होते हुए तुम किसी का कॉल कोच भी बाल बाका नहीं कर पाओगे। ओ ऐसी बात है, तो फिर दिखाओ मुझे अपना दम। देखना चाहता है मेरा दम कि मुझ में कितनी पावर है। तो फिर रा हो जाए आज मुकाबला कि किस में कितना है दम। अच्छा तो तू शैतान से भिड़ना चाहता है, तो फिर आ जा, तो फिर आ जा बे। प्ले हा 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 हा, मर गया ना, बड़ा आया था मेरा सामने करने वाला। महागुरु आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप तो बिल्कुल सुरक्षित हो ना? बेटा मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन बकड़ा बम अब और बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने भाई फ्रेस्ट फायर को भी बचा लेना उस आतंक से। अरे क्या हो गया इस दुनिया में? पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, उसके बाद मानो ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं रही है। इस दुनिया को तो मैं शमशान बना दूंगा एक न एक दिन, लेकिन वो टाइम भी जल्दी आएगा। नमस्कार बस। अरे चेले तू यहाँ, बोल क्या समाचार लाया है तू मेरे लिए? अरे बस समाचार क्या होगा, उस फ्रस्ट फायर को तो मार दिया है उस कोबरा ने, और लग सुना है एक फ्रस्ट फायर तुम्हारे पास भी आ रहा है तुम्हें मारने। मुझे पहले ही लगा था चेले, क्योंकि उसके पास बेशक जितनी ही ताकत क्यों ना हो, लेकिन उसके पास दिमाग की कमी थी। लेकिन इस अल्फा के पास ताकत के साथ साथ दिमाग भी है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो फिर दवाई होती है। सही कह रहे हो बॉस, बिल्कुल सही, मुझे पता है तुम्हारा। और आने दो उसे भी देख लूंगा मैं चेले, तू चिंता मत कर। अरे बॉस ये क्या आ रहा है? आ गया हूँ मैं इधर। अभी अल्फा यार तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा, और तुम दोस्त हो, गद्दार हो तुम, गद्दार वे। अरे फ्रॉस्ट फायर मेरे भाई, किसने पट्टी पड़ा दी तुम्हारे दिमाग पर? तुम शायद जानते नहीं हो कि वो मैं हूँ। जब तुम्हारा वेकन फॉर्म नहीं हो रहा था तो मैंने ही बताया था कि वो कैसे हो पाएगा, और तुम मुझ पर ही शक करने आ गए मेरे भाई। मुझे लगता है उस वेकन मोड के पीछे, बंद होने के पीछे भी तुम्हारा कुछ हाथ था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे पिता को मारने में साथ दिया था ना उस रेड फॉरेस्ट फायर का, अब तुम तो मरोगे मेरे हाथों से। लगता है तुम्हें सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, अब मेरा फालतू में बोलने का कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता था ये दिन एक न एक दिन आने वाला है, इसलिए मैं इसकी तैयारी भी कर चुका था पूरी तरह से। फ्रॉस्ट फायर तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन बचकर नहीं जा पाओगे मेरे हाथों से। ऐसा नहीं होगा वे, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगे वे। अच्छा ये बात है, ये ले। अरे ये कहाँ फंसा दिया बे तुमने मुझे, कहाँ फंसा दिया अल्फा, छोड़ दो मुझे। हे 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 हे।
ये अग्नि है अग्नि, इससे तुम अब बच नहीं पाओगे। तुम मेरे कब्जे में हो अब से। मैं भी देखता हूँ कौन बचाने आएगा तुम्हें। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और तब तक हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कीजिए शेयर और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।